वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये मैंने रिप्लेसमेंट मंगाया था अमेजोन से और आप देख सकते हो इस तरीके का आपको बॉक्स पैकिंग मिलती है। इसकी मैं अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर आपने अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो देख लीजिए। ये मैंने रिप्लेसमेंट इसीलिए मंगाया था क्योंकि मेरे फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी वॉच, बोट वॉच फ्लैश। मैंने इसको फर्स्ट सेल में मंगाया था। अब देखते हैं क्या कुछ खास मिलता है नए वाले जो यूनिट है उसमें, या जो पुराना वाला यूनिट था उसमें ज़्यादा बेटर था, तो देखेंगे। ऑल इन ऑल सारी बातें करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके की अमेजिंग वीडियो आप सभी के लिए बनाते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस तरीके का बॉक्स मिलता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग है, यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स मिल जाते हैं आप सभी को, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि 1.3 इंचेस की आपकी इसमें LCD डिस्प्ले यूज़ करी गई है और कॉल टेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके रिसीव कर सकते हो, कैमरा शटर बटन आपको, म्यूजिक कंट्रोल ऑप्शन मिल जाता है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है और वेदर फोरकास्ट, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, साथ में ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, हार्ट रेट और स्लीप मॉनिटर, साथ में आपको गाइडेड ब्रीदिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसी के साथ साथ iOS और एंड्रॉइड में आप पेयर कर सकते हो, फाइंड माय फोन का ऑप्शन भी मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेटली ये 6000 रुपीज़ की है जो MRP है, बट ये मैंने 2500 रुपीज़ की खरीदी थी ऑन सेल और ये मेरे को रिप्लेसमेंट यूनिट रिसीव हुआ है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बस ऊपर का मैंने टेप हटाया, एक्जैक्टली मैंने इसको खोला नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का आपको मिलता है, पहले की तरह जैसे मिला था उस तरीके से मिलता है। यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे जो स्ट्रैप की क्वालिटी है सेम है और ये मेरे ख्याल से TPU स्ट्रैप नहीं है, ना ही ये सिलिकन स्ट्रैप है, ये दूसरी क्वालिटी है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो वॉच है आपकी, ये मिल जाती है आपको इस तरीके का। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग दी गई है, बोट वॉच। और यहाँ पे जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्क्रैचेस दिख रही हैं, तो ये ऊपर एक फिल्म लगी होती है, इसको आपको हटाना है सो दैट ये अच्छी तरीके से स्कैन कर पाए आपकी हार्ट रेट और SpO2 लेवल्स। और यहाँ पे साइड रखते हैं और साथ में देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है आपको। ये आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है और इसका जो चार्जर है वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ। तो आते हैं अपनी वॉच की तरफ, इसको रखते हैं साइड में थोड़ा सा और स्ट्रैप को भी हम रख लेते हैं यहाँ पे और इस वॉच को कर लेते हैं बंद। ये मैं इसलिए आपको वीडियो अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ताकि अगर आप भी रिप्लेसमेंट करो तो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिले, आपको सही प्रोडक्ट मिले, इसी के लिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम इसको पील करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही सेटिस्फाइंग है। और यहाँ पे इस तरीके का आपको डायल मिलता है, यहाँ पे फ्लश्ड है पूरा, 2.5D कर्व्ड ग्लास तो नहीं है, यहाँ पे पूरा पूरा फ्लश करक है उसके साथ, बॉडी के साथ। ये पूरा का पूरा मेटैलिक फिनिश मिलता है आपको एज इट इज़, नीचे की साइड भी आपको मेटैलिक मिलता है पूरा का पूरा। यहाँ पे जो बॉटम और ऊपर का डायल है वो पूरा मेटैलिक है, तो ये प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे स्ट्रैप है, यहाँ पे स्ट्रैप आपको अटैच करने हैं। तो सबसे पहले इसको हम ऑन कर लेते हैं, किस तरीके का आपको मिलता है तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ऑन हो चुकी है, बोट का लोगो आ चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे ऊपर की साइड से एज इट इज़ पुराना ही वाला है, थोड़ा सा हल्का सा लैग कर रहा है बट ऑल इन ऑल ठीक है, जो क्वालिटी है वो एज इट इज़ सेम ही है। मेरे फ़ोन में इशू ये था कि जब मैंने एक बार इसको सैमसंग वाले फ़ोन के साथ इसको पेयर कर लिया था, उसके बाद ये रियलमी फ़ोन के साथ पेयर नहीं हो रही थी। अब दोबारा इसको देखते हैं कि कैसे क्या ये पेयर हो जाएगी तो बेटर है। तो इसको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा और ख़ुद भी यूज़ करूँगा इसको। और जैसे कि आप देख सकते हो ऑल इन ऑल सेम ही है इसकी क्वालिटी, ऐसा कुछ ऐसा चेंजेस तो नहीं है, वही मेरे को रिसीव हुई है जिस तरीके की मेरे को मैंने उसको सेंड की थी सेलर को, और वही उन्होंने सेंड करी है एकदम एज इट इज़ न्यू मॉडल। और उसी के साथ साथ अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल इन ऑल जो 1.3 इंचेस का डिस्प्ले है वो अच्छा खासा ब्राइट है और कहीं ना कहीं जो लेवल्स हैं ब्राइटनेस लेवल्स वो सेम ही हैं जैसा उसमें थे, वैसा इसी में ही आपको मिलते हैं। और ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है कि इसमें ज़्यादा ब्राइट है डिस्प्ले, ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले वाले यूनिट में था ऐसा कुछ नहीं है, तो एज इट इज़ सेम ही है। बस ये था कि मैंने टेम्पर्ड ग्लास जो चढ़ाया था उस पर वो चला गया उसी के साथ ही, तो ये थोड़ा सा है इशू मेरे को, बट कोई नहीं, मैं दूसरा टेम्पर्ड इसमें चढ़ा लूँगा। बट ऑल एंड ऑल क्वालिटी सेम एज इट इज़ है जैसे वो मैंने दी थी, बट यहाँ पे कनेक्शन इशूज़ अगर रिजॉल्व हो जाते हैं तो डेफिनेटली मैं इसको रखूँगा, इसको यूज़ करूँगा। सो आई गेस ये था मेरा रिप्लेसमेंट यूनिट का एक रिव्यू, रिप्लेसमेंट यूनिट का एक अनबॉक्सिंग ऑनली। अब मैं आपको आगे बता दूंगा, अगर इसमें कोई इशू होगा तो डेफिनेटली मैं अपडेट कर दूंगा, बट एज ऑफ नाउ अभी तो इस तरीके से मेरे को मिलती है, मैं इसको कनेक्ट करके डेफिनेटली इसको चेक करूंगा और डेफिनेटली मैं इसको यूज़ करके देखूंगा, सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करके देखूंगा। ये था मेरा अनबॉक्सिंग, स्मॉल अनबॉक्सिंग बोट वॉच फ्लैश का। और डेफिनेटली मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर ये बोट वॉच बेस्ट है तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने इसको यूज़ किया है, जो पहली वाली थी उसमें कोई भी इशू नहीं आया था और डेफिनेटली इसमें भी कोई इशू नहीं आने वाला है। बस वही था कि डिस्कनेक्ट हो गई थी, उसके बाद कनेक्ट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इसका रिप्लेसमेंट कंपनी से बोला, उन्होंने तुरंत रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया और मेरे को रिप्लेसमेंट दे दिया है। तो इस तरीके की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेफिनेटली मैं आने वाले टाइम पे कुछ अच्छा प्लान करने वाला हूँ आप सभी के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।